वाराणसी में आज राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज में युवा फाउंडेशन के तत्वावधान में एसीपी केतगंज नीतू कादियान ने बच्चों को चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करने की शपथ दिलाई। बच्चों को शपथ के द्वारा यह समझाया गया कि वह चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करें क्योंकि चाइनीज मांझा बहुत खतरनाक है। वह सिर्फ आम जनता के लिए ही नहीं पशु पक्षियों के लिए भी उतना ही खतरनाक है। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। चाइनीज मांझे को लेके आप देख रहे हैं कि प्रशासन भी सख्त है चाइनीज मांझे को लेके। हम लोगों ने कुछ टाइम पहले ही कमिश्नर साहब को भी अनुरोध किया है कि वो सभी थानों को आप जो है कि कड़ाई से प्रतिबंध करवाएं चाइनीज मांझे को। हमें सूचना मिली है कई जगह खुलेआम चाइनीज मांझे बिक भी रहे हैं, लेकिन ये हमारा खुद का भी दायित्व बनते हैं कि हम लोगों को भी जागरूक करें। इसी संदर्भ में आज हम लोग राजकीय क्वींस कॉलेज में हम लोगों ने जागरूकता अभियान रखा, बच्चों को शपथ दिलवाया, जिसमें कि हमारी एसीपी नीतू मैम मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थी। कहने का मतलब यह है कि चाइनीज मांझा बेचने वाला भी सतर्क है, चालाक है, क्रिमिनल माइंडेड है। तो हम बच्चों को यही बता रहे थे कि जो 112 नंबर है उस पे भी आप भी सूचना दो। उस सूचना में क्या होती है कि आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी और कार्रवाई भी हो जाएगी, क्योंकि ये बच्चे शहर के कई गलियों से होके आते हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर ये जानते हैं कि आखिर चाइनीज मांझे भी कहाँ रहे। 112 नंबर पर बिल्कुल पुलिस तो आती है, जब पुलिस आएगी हम उनको सूचना देंगे, उनको जानकारी देंगे, क्योंकि सर ने भी कहा है, जिलाधिकारी महोदय ने कहा है, कमिश्नर साहब ने कहा है कि कार्रवाई होगी, तो क्यों नहीं कार्रवाई। कुछ पुलिस वाले भी चोटिल हुए हैं चाइनीज मांझे से, कुछ ऐसे भी घटनाएं हमने देखा है, उसकी वीडियो फुटेज मेरे पास है, मैं हॉस्पिटल में जाके मिली हूँ, उनके गला कट गया है, किसी का नाक कट गया है, इस भी कॉलेज में एक बच्चा मिला उसका हाथ कट गया है, तो ये बहुत खतरनाक है। अब बिल्कुल बंद होना चाहिए।